नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर कॉलिंग कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। दर्द है तो दर्द का कारण भी होगा, ये कारण शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर हो सकता है। भावनात्मक स्तर पर ये दर्द क्रोध, अवसाद, मूड बदलने या फिर चिड़चिड़ेपन के रूप में भी देखा जा सकता है। शरीर में दर्द की तीव्रता अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। आज हम बात करेंगे कूल्हे और घुटने के दर्द के बारे में। हड्डी और जोड़ों का दर्द बहुत तकलीफदेह हो सकता है और हड्डी और जोड़ों की बीमारियों से जुड़े और चलते फिरते में परेशानी होनी और इसमें से कुछ जो समस्याओं के लिए सर्जरी की आवश्यकता भी होती है। अक्सर ऑफिस में ज़्यादा देर बैठे रहने से कमर में दर्द होने लगता है, वहीं कई बार बढ़ती उम्र में घुटने के दर्द का सामना भी करना पड़ता है। इसको लेकर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट से वरिष्ठ कूल्हा और घुटना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेश खत्री जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धर्मेश जी, क्योंकि अब बात यहाँ पर दर्द की हो रही है, जिस तरीके से कूल्हे और घुटनों के दर्द की अगर यहाँ पर बात की जाए, काफी तकलीफदेह होता है, लेकिन सर अगर शुरुआत में किस तरीके से इसको पहचाना जा सकता है और अगर इसका किसी तरीके से निग्लिजेंस किया जाए तो फिर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? देखिए, घुटनों का दर्द जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज जो घुटनों के दर्द का है वो उम्र के साथ घुटनों का घिसना है। जो घुटनों के अंदर कार्टिलेज होती है वो एज के साथ घिसने लगती है, जिसके वजह से मरीज़ को दर्द होता है जी। तो जब भी हमारे मरीजों में जब भी उन्हें घुटनों का दर्द की शुरुआत हो तो उन्हें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका एक्सरे होना चाहिए देखने के लिए कि किस स्टेज का आर्थराइटिस है, घुटने में कितनी कार्टिलेज घिसी है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट की शुरुआत होनी चाहिए। अगर हम इसको सही समय पर नहीं करेंगे इसका ट्रीटमेंट, तो ये जो है घुटने का आर्थराइटिस जो है बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे मरीज़ के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मरीज़ का पैर में टेढ़ापन आता है जिसकी वजह से उसकी चाल बदल जाती है, और चाल बदलने की वजह से कमर पे जोर पड़ता है जिसकी वजह से कमर में भी दर्द शुरू हो जाता है कुछ सालों बाद जी। उसी तरीके से क्योंकि मरीज टेढ़े होकर चलते हैं उसकी वजह से बोन के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार बोन जो है हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी घुटनों का दर्द निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका सही समय पर उसका इलाज शुरू करना चाहिए जी। लेकिन ट्रीटमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर धर्मेश, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर वजह क्या कुछ हो सकती है। बढ़ती उम्र आपने इसका जिक्र किया, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें बेहद कम उम्र वाले लोगों में भी देखा जाता है कि घुटने के दर्द की जो समस्या है वो काफ़ी आम हो चली है। कि क्या इसका जिम्मेदार होता है, कौन इसका जिम्मेदार होता है, लाइफस्टाइल इस पर कितना, जो हमारा रोज़ का खाना पीना है, खान पान है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, क्या उसे पूरी तरीके से जिम्मेदार हम मान सकते हैं आज की स्थिति? देखिए, लाइफस्टाइल डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें रोल प्ले करता है जी। क्योंकि आज जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे खाने में न्यूट्रिशंस होते हैं वो डेफिनेटली चेंज हुए हैं पहले के मुकाबले से। आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है लोगों में जी। इसके अलावा मोटापा एक ऐसा कारण है जिसके वजह से बहुत जल्दी घुटने घिस जाते हैं। जो लोगों का वेट ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा होता है, उनमें घुटना ज़्यादा जल्दी घिसता है क्योंकि घुटने पर जोर ज़्यादा पड़ता है जी। उसी तरीके से विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जैसे मैंने बताया, बहुत कॉमन है आजकल। विटामिन डी की कमी से बोन वीक हो जाती है, वो उतना लोड नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज घिसनी शुरू हो जाती है जी। साथ साथ आजकल हमें ये भी देखने को मिला है कि जो हमारा जो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, हमें ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से घुटनों में चोट लगने का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। खासकर जो लोग बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं वो गिर जाते हैं, घुटनों में चोट लगती है, उससे भी घुटना बहुत जल्दी खराब होता है। बिल्कुल डॉक्टर धर्मेश, हालांकि नी रिप्लेसमेंट की जब भी बात आती है तो कई लोग घबरा जाते हैं कि आखिर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए अगर किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है और डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? और ऐसे में लोगों की ये भी सोच होती है कि कहीं नी रिप्लेसमेंट के बाद हमें फिर से दर्द उठा, या क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए अगर जिनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। अगर हम 100 लोगों का इलाज करते हैं तो मैं कहूँगा कि 95-98% लोग ऑपरेशन के बाद में खुश रहते हैं। कॉम्प्लिकेशन का रेट बहुत कम है, हजारों में से किसी एक को कुछ कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, बहुत ही सफल सर्जरी है। बट डेफिनेटली सर्जरी का फायदा तभी होता है जब उसको प्रॉपर उसके इंडिकेशंस को हम फॉलो करें।
हमें यह देखना बहुत ज़रूरी है कि जिस पेशेंट को सर्जरी एडवाइस की गई है, जिसको कहा गया है कि उनको घुटने के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, क्या उनको सही में ज़रूरत है? क्या घुटना एक्सरे में उतना ख़राब है जी जितना की ज़रूरत है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पेशेंट को जो दर्द हो रहा है वो घुटने में ही हो रहा है। कई बार होते क्या होता है कि पेशेंट को पेन किसी और कारण से होता है, जैसे कमर में नस दब रही है जिसकी वजह से पूरे पैर में दर्द आ रहा है, शियाटिका का पेन है, या कभी कभी हिप में प्रॉब्लम होती है लेकिन पेशेंट को पेन नी में होता है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनका घुटना तो काफ़ी ख़राब है एक्सरे में लेकिन उनको चलने में उतना दर्द नहीं है। बिल्कुल। तो ये ऐसे पेशेंट है कि जिनमें हमें सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज़ सर्जरी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। एक बार सर्जरी हो जाती है तो आराम से 15-20 साल पेशेंट के निकल जाते हैं, कई लोगों के 25-30 साल तक भी निकल जाते हैं। बिल्कुल। बाय चांस अगर कभी ऐसा हो कि ऑपरेशन के बाद में कुछ दिक्कत आए, किसी कारण से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए 15 साल या 20 साल बाद, तो ऑपरेशन दोबारा हो जाता है और दोबारा ऑपरेशन जो होता है वो भी उतना ही सक्सेसफुल है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील अग्रवाल जी हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुनील जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी मदर की उम्र 82 ईयर ओल्ड है। साल भर पहले तक वो हाथ में लाठी लेकर चल पाती थी, किंतु अभी वो खड़े भी नहीं हो पाती, टॉयलेट या बाथरूम भी नहीं जा पाती, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ऐसा है कि एक बार सबसे पहले हमें उनकी पूरी जांच करनी होगी ये देखने के लिए कि वो चल क्यों नहीं पा रही है। क्या घुटनों की दर्द की वजह से नहीं चल पा रही है, मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से नहीं चल पा रही है, या कमर में नस दब रही है जिसकी वजह से मांसपेशियाँ काम नहीं कर रही है, उस वजह से नहीं चल पा रही है। जब तक हम इस चीज़ को पूरा डिटेल में इवैल्यूएट नहीं कर लेते, जांच नहीं कर लेते, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें ये लगता है जांच के बाद कि घुटनों के दर्द की वजह से वो चल नहीं पा रही है, घुटने बहुत ज़्यादा घिस गए हैं, तो फिर डेफिनेटली हम घुटनों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। घुटनों का रिप्लेसमेंट अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो घुटनों का रिप्लेसमेंट सर्जरी 82 की उम्र में भी की जा सकती है। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं है जी, लेकिन ऑफकोर्स सर्जरी करने के पहले हम चेक करेंगे कि वो फिट है या नहीं सर्जरी के लिए। उनके सारी जांचें हम करेंगे, हार्ट का चेकअप होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, ये देखने के लिए कि वो सर्जरी के लिए फिट है या नहीं जी। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो चल क्यों नहीं पा रही, घुटनों की वजह से या कोई और कारण है जी। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मरीज़ की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसे समझ लिया जाए, उसके बाद ही आगे कुछ किया जा सकता है। और हम दर्शकों से भी यही कह रहे हैं कि आपके भी अगर कोई इसी तरीके के सवाल हैं, कूल्हे या फिर जोड़ों से जुड़ी कोई भी समस्या से जुड़े सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर आप कॉल कर जो आपके सवाल हैं वो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर धर्मेश, क्योंकि अब यहाँ पर बात की जा रही है अगर किसी का नी रिप्लेसमेंट हो गया है लेकिन अगर उन्हें फिर से दर्द उठता है तो उस समय क्या करना चाहिए? देखिए, प्रोसीजर सेम रहता है। अगर घुटने के ऑपरेशन के बाद में अगर किसी को दर्द उठ रहा है तो हमें दोबारा से वही चेकअप करना है कि वही प्रॉब्लम घुटनों की वजह से है या कहीं और से आ रही है। अगर घुटनों की वजह से है तो क्यों हो रहा है, मतलब इन द सेंस कि वही मांसपेशियां वीक हो गई है एज के साथ, या घुटने जो रिप्लेस हुआ है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका हम जांच करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो घुटना हम रिप्लेस करते हैं उसकी डेफिनेट लाइफ होती है, एक बिल्कुल 15 साल 20 साल 25 साल, उसके बाद डेफिनेटली ज्यादातर मरीजों में घुटना फेल होता है 20-25 साल के बाद में जी। हालांकि ज्यादातर जो रिप्लेसमेंट हम घुटने बदलने का ऑपरेशन हम करते हैं वो 60 से 70 की उम्र के बीच के मरीजों का करते हैं, तो इसलिए ज्यादातर मरीजों को दोबारा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। जब किसी मरीज का बाय किसी कारण से हमें रिप्लेसमेंट जल्दी करना पड़ता है, जैसे 45 की उम्र में 40 की उम्र में जी, तब ये होता है कि जब वो 70 साल के होते हैं तब उनको दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, या फिर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जैसे एक्सीडेंट हो गया, घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घुटने के आसपास ही फ्रैक्चर हो गया, तब उनको दोबारा ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जी। तो दोबारा ऑपरेशन हो जाता है, उतना ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है जितना की प्राइमरी ऑपरेशन होता है, और पेशेंट को निजात मिल जाती है अपने दर्द से जी। डॉक्टर धर्मेश, मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि जब वो घुटने को बेंड करते हैं तो उसमें आवाज आती है, उनकी नीज में आवाज आती है, क्या ये नॉर्मल साइन है या ये संकेत दे रहा है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये संकेत अच्छे नहीं? देखिए, सिर्फ घुटने के अंदर आवाज़ आना, खासकर यंग लोगों में, कोई अगर 20 साल 25 साल का है उसके अगर घुटनों में या किसी और जोड़ में आवाज़ आती है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत कॉमन है। एक्चुअली हमारे घुटने के अंदर फ्लूइड होता है, जब हम घुटना बेंड करते हैं तो वो फ्लूइड एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करता है जी, जिसकी वजह से वो आवाज़ आती है टक 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 की जी, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आवाज के साथ अगर दर्द भी होता है चलने में या घुटना मोड़ने में जी, तब फिर डेफिनेटली हमें इसको इवैल्यूएट करना है, इसको चेक करना है कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है जी। सिर्फ आवाज के लिए घबराने की कोई बात जी नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, वीरेंद्र हैं हरियाणा से, अपना सवाल पूछिए आप।
मैडम मेरे नी में प्रॉब्लम है, साथ साथ अभी जो ये अंगूठे है पैर के गुण में दर्द रखता है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल। 60 साल है और घुटने में दर्द होता है और पाँव के जो अंगूठे हैं वहाँ पे भी दर्द जाता है, ये कहना है इनका। हाँ वहाँ पर भी दर्द आता है। देखिए आप घुटनों में आपके दर्द ज्यादा है या पाँव में ज्यादा दर्द है? जब चलते हैं तो तकलीफ किस में ज्यादा होती है आपको? तकलीफ होती है, मैं ज्यादा दूर नहीं, दर्द होने लगी अब तक, थकान महसूस करता हूँ। थकान महसूस करते हैं। घुटनों में दर्द होता है जब चलते हैं तब? हेलो, जब चलते हैं तब घुटनों में दर्द महसूस होता है? हाँ होता है। कितना दर्द है, कितना चल पाते हैं आप? बस ज्यादा नहीं चलता, 300-400 मीटर चलता हूँ फिर दर्द हो जाता है, फिर थोड़ा सा आराम करेगा, फिर समझो वैसे रेस्ट कर रहता हूँ जब नहीं अभी है, और अभी आराम करता हूँ तो इन अंगूठों में दर्द फिर भी होता रहता है। देखिए ऐसा है कि घुटनों का एक्सरे करा के देख लेंगे, घुटनों का एक्सरे होना चाहिए, एक्सरे से पता चलेगा कि घुटने में कितनी कार्टिलेज बची है। अगर घुटनों में कोई भी कार्टिलेज बची नहीं है और जैसे आप बता रहे हैं कि 300-400 मीटर चलने पे ही आपको दिक्कत होती है, तो इसका मतलब है कि आपका काफी एडवांस स्टेज का आर्थराइटिस है, घुटना काफी ज्यादा घिस गया है आपका। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बता रहे थे शायद आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, घुटना बदलने का जो ऑपरेशन होता है उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ये कह रहे हैं आराम करते वक्त भी इनको दर्द होता है। ठीक है बिल्कुल, इसका मतलब है कि काफी एडवांस स्टेज में है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलेज जुड़ गए, हिसार से मोतीराम जी हैं, अपना सवाल पूछिए आप। हेलो, वजन है जी 100 किलो जी, शुगर का पेशेंट हूँ जी। जी हेलो जी, जी सुन पा रहे हैं? बताइए। बाईपास हो रही है। ठीक है, तो ऑपरेशन कराने के सिस्टम हो या नहीं? देखिए ऐसा है कि पहले तो ये बताइए आपका बाईपास कब हुआ है? 2008 में जी। 2000। आपकी उम्र कितनी है अभी? 82। अगर आपकी शुगर अब कंट्रोल में है, ठीक है ना, दवाइयों से कंट्रोल रहती है? हाँ, दवाइयों से अगर कंट्रोल में रहती है शुगर, और आपका हार्ट का एक चीज होता है जिसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, कि वो दिखाता है कि भाई हार्ट आपका कितना प्रतिशत काम कर रहा है। अगर इजेक्शन फ्रैक्शन जो है आपका हार्ट का 40-45 के ऊपर अगर है तो आपके घुटने का ऑपरेशन हो सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं मोतीराम जी आपके सवालों का जो जवाब है वो आपको मिल गया होगा। शुगर की इन्होंने प्रॉब्लम बताई और ऐसे कई मरीज हैं, क्योंकि शुगर की वजह से मैंने सुना है कि कई बार जो सबसे ज्यादा जो असर है वो घुटनों पे, जो हड्डियों के जॉइंट्स हैं उनमें पड़ता है। ऐसे में मरीजों को कितना ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ ट्रीटमेंट इस दौरान चलते हैं? देखिए ऐसा है कि शुगर का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तब। जब पेशेंट एडमिट होता है ऑपरेशन के लिए, अगर शुगर का मरीज है तो हम उसका दिन में 3 या 4 बार शुगर टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि शुगर कंट्रोल में है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग फिजिशियन को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, जो कि इंजेक्शन, इंसुलिन का इंजेक्शन या टैबलेट से उसको कंट्रोल में किया जाता है जी, क्योंकि घाव भरने के लिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल में होना चाहिए। जी एक कॉलर हमारे साथ सिवान बिहार से जुड़ गए हैं, इमरोज खान जी हैं। जी आप अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए इमरोज खान जी अपना। चलिए लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। और चलिए दर्शकों को हम ये बता दें कि आपके भी सवाल हैं अगर जोड़ों के दर्द से जुड़े हुए या कूल्हे के दर्द से जुड़े हुए, तो आप जरूर हमें कॉल कीजिए और अपना सवाल जो है आपको डॉक्टर धर्मेश खत्री जी से पूछ सकते हैं। डॉक्टर धर्मेश, महिलाओं की बात ले लेते हैं, अगर महिलाओं की बात करें, जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं में भी काफी हद तक देखी जा सकती है, लेकिन इसके कारण यहाँ पर क्या कुछ रह सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं अधिकतर 30 से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं तब ज्यादा ये चीजें जो होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। क्या मेन फैक्टर, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल में ज्यादा होते हैं, ऐसे में कितना ज्यादा और क्या कुछ जरूर चीजें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं फीमेल की बॉडी? देखिए ऐसा है कि फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, मतलब हड्डियों की कमजोरी जो है, वो डेफिनेटली ज्यादा देखी जाती है मेल्स के मुकाबले। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो इसका यही है, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं आफ्टर 30-40 के बाद में, जो फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हड्डियों में कमजोरी आती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और उसी की वजह से जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये सब होता है जी। इसके अलावा क्योंकि लेडीज जो है वो घर से बाहर कम निकलती है, तो सन एक्सपोजर जो है, सनलाइट से जो एक्सपोजर है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी उनमें देखी जाती है। तो ये दो कारण है कि जिनकी वजह से घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कूल्हों का दर्द, ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स।
और जहाँ तक कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर हम 100 घुटनों के ऑपरेशन करते हैं तो उसमें 70 जो है वो फीमेल्स होती है फीमेल्स होती और हैं। 30 से है जो मेल्स होते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राधे श्याम जी हैं फतेहाबाद से। राधे श्याम जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। जी राधे श्याम जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब ऐसा है, मेरी वाइफ है, हाँ जी, उम्र है 47 ईयर, उनके घुटने में है ना दर्द रहता है, डॉक्टर को भी दिखाया, वो कहते हैं कि आपके जो घुटना है ना एक हड्डी में गैप हो गया कैसे, ठीक है, तो उनको जब उठती है जब दर्द होता है अगर कोई पेन किलर ले ले तो आराम रहता है, ठीक है, तो उनका कोई, उनको कितना पेन किलर कितना लेना पड़ता है, लगभग रोज पेन किलर लेना पड़ता है? ना ना रोज नहीं, दूसरे तीसरे दिन दूसरे लेती है। तीसरे दिन कितना चल पाती है वो? चलती है, काम करती है वैसे। अच्छा, देखिए ऐसा है कि हमें सबसे पहले उनका एक्सरे देखना होगा, एक्सरे में पता चलेगा कि स्टेज कौन सी है आर्थराइटिस की। अगर स्टेज 3 है आर्थराइटिस की तो दवाई और इंजेक्शन आते हैं जिनसे मैनेज किया जा सकता है। बहुत सी बार एक छोटा ऑपरेशन होता है जिसमें कि हड्डी को काट के सीधा किया जाता है, जिससे कि जो घुटने का जोर वजन शरीर का जो घुटने में पड़ रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द में रिलीफ मिलता है। अगर एक्सरे के अंदर हमें लगेगा कि स्टेज 4 आर्थराइटिस है, घुटना बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है, तो फिर इसका ऑपरेशन होना चाहिए, नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होना चाहिए। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, परमजीत है भिवानी से। जी परमजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। परमजीत जी सवाल पूछिए अपना। परमजीत जी सुन पा रहे हैं आप हमें? सुल्तान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुल्तान जी आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, और जी मेरी रीढ़ की हड्डी में वो एडिशनल प्रॉब्लम है जी मेरी। आपकी? हेलो जी जी सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए आप अपना, क्या परेशानी है जी? मेरी डिश में वो प्रॉब्लम जी, डिश में रीढ़ की प्रॉब्लम हड्डी में जी। जी कब से परेशानी है जी? मैं तो 3 साल हो गए खास कर रखी जी। देखिए डिस्क में अगर प्रॉब्लम है तो आपका MRI वगैरह कुछ हुआ है कमर का? हाँ जी हो रहा है जी, वो भी हो रहा है, एक्सरे भी हो रही, सारी चीज हो रही थी। तो आपको किसी ने क्या बताया हुआ, इंजेक्शन वगैरह कुछ बताया है कमर में ऑपरेशन के लिए बताया है, क्या बताया है? हाँ जी मैं कई जगह बड़े बड़े डॉक्टर का गई जी, कोई तो ऑपरेशन बता दे वह है, कोई नु कह दे जी ऑपरेशन ठीक नहीं है। देखिए ऐसा है कि ऑपरेशन सुरक्षित ऑपरेशन है, डिस्क का ऑपरेशन भी बहुत सुरक्षित ऑपरेशन है आज की डेट में, कोई ऐसा मेजर हाँ जी कॉम्प्लिकेशन, डिस्क का ऑपरेशन बहुत सुरक्षित ऑपरेशन है, अगर आपको ऑपरेशन बताया गया है तो उसको करवा लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल खाट पे लेटी हुई आप जैसे बता रही है तो आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए अगर ऑपरेशन बताया गया है तो, बहुत सुरक्षित ऑपरेशन है डिस्क का ऑपरेशन। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र हैं हरियाणा से। जी देवेंद्र जी आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। मैं अभी अभी कुरुक्षेत्र से अभी आ रहा हूँ, तो डॉक्टर मैं अपने पिताजी का एक्सरे कराया हुआ है, हाँ जी, तो मैं टीवी लगा कर अपना प्रोग्राम सीधा देख रहा हूँ लाइव। हाँ जी हाँ जी बताइए, प्रॉब्लम बताइए क्या है। तो सर वो कह रहे थे भी पैकेज है इसका, ये गोटे का करवाया, इसमें नया गोटा पड़ जाएगा, हाँ जी, तो इसका पैकेज बता रहे थे नया गोटे में, डॉक्टर कह रहे थे दवाई दी है 10 दिन की, हाँ हाँ तो जी नया पैकेज कितना, कहाँ से ऑपरेशन करवाएं आपसे कुछ लेस मिल जाए, 1.5 लाख रुपए के कह रहे थे भी, 1.5 लाख रुपए लग जाएगा। देखिए ऑपरेशन में तो 1.5 से 2 लाख खर्चा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना? हाँ जी ऑपरेशन में 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है, ये आपको अपनी सहूलियत देखनी है कि कहाँ पे आपको सूट करता है, कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ पे आपका बाकी का इंतजाम हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप बालाजी एक्शन में आ सकते हैं। जी चलिए उम्मीद करते हैं दर्शकों को आपके सभी सवालों का जवाब जो है वो आज इस कार्यक्रम के जरिए मिल गया होगा, और हमारा उद्देश्य भी यही होता है कि जो विषय होता है उस पर आपको स्पष्ट और सही जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मेश खत्री जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे थैंक दर्शकों को बेहतर जानकारी इस विषय को लेकर दी है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि बीमारी कोई भी हो आप खुद डॉक्टर मत बनिए, अपना इलाज जो है आप सही जो डॉक्टर है आप उसी से करवाइए। और चलिए इसी के साथ डॉक्टर कॉलिंग में आज के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।